खान शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान ड्रग्स मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने अपनी हिरासत में लिया था। आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में बीते 2 हफ्तों से बंद है। बता दें आपको, इस मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका को 2 बार खारिज कर दिया गया है। शाहरुख खान और गौरी खान काफी ज्यादा कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं अपने बेटे आर्यन को जेल से रिहा कराने के लिए। वहीं दूसरी ही तरफ एनसीबी की टीम आर्यन को लेकर तमाम राज खोलती हुई देखी जा रही है। इस मामले में अब एक्ट्रेस अनन्या पांडे का नाम भी सामने आया है। जी हां, वजह है आर्यन और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट। इस चैट के जरिए कई बड़े खुलासे किए गए हैं। वहीं इसी दौरान अब एनसीबी की टीम एक और बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है, लगातार जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। वेल, जानेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें, 21 अक्टूबर के दिन एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे को समन भेजा था। उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए। 2 दिनों से लगातार अनन्या पांडे से पूछताछ की जा रही है और आज फिर से अनन्या से पूछताछ की जाएगी। इसी दौरान देखा जाए तो एनसीबी की टीम ने शाहरुख खान की मैनेजर को एक नोटिस भी दिया और इस नोटिस के जरिए उन्होंने आर्यन के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं, जिससे कि वह इस मामले की जांच पड़ताल और भी गहराई से कर सके। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी खबर भी आ चुकी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। बीते 2 हफ्तों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन खान। आर्यन खान की इस मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक और आर्यन खान के बाद अब मुसीबतों में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं एक्ट्रेस अनन्या पांडे। अनन्या पांडे से लगातार एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। आर्यन और अनन्या की व्हाट्सएप चैट को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। आर्यन और अनन्या की व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलासा हुआ है कि इस व्हाट्सएप चैट में 3 बार गांजे को लेकर बातचीत हुई है। जी हां, एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि ये चैट्स साल 2018 से साल 2019 की हैं। 3 बार गांजे को लेकर बात हुई है और इसमें 2 बार आर्यन खान से और 1 बार साथ में पार्टी की बात है। इन तीनों ही चैट्स को लेकर एनसीबी की टीम अब लगातार अनन्या से सवाल कर रही है। इसी दौरान देखा जाए तो अनन्या के मोबाइल फोन, लैपटॉप को भी एनसीबी की टीम ने जब्त कर लिया है। वहीं एक पुराना फोन भी है और एक को कुछ महीनों पहले ही खरीदा गया है। एनसीबी ने अनन्या के दोनों ही फोन अपने जब्त में ले लिए हैं और इन फोन के जरिए वह डेटा को खंगालेगी। इसी दौरान देखा जाए तो आर्यन के बैंक डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आ चुकी है। एक अधिकारी ने बताया है कि जांच दल पहले से ही ऐसे कुछ आरोपियों के लेन देन के रिकॉर्ड इकट्ठा कर चुके हैं, जिनसे कि व्यावसायिक इस्तेमाल में लाए जाने वाली या फिर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त हुए थे। एजेंसी आरोपियों की आय के स्रोतों की भी जांच पड़ताल कर रही है। बैंक डिटेल्स के जरिए पता चलेगा कि आर्यन खान किस तरह से ट्रांजेक्शन कहाँ पर क्यों किया करते थे और आखिरकार आर्यन कितना ट्रांजेक्शन किया करते थे। अधिकारी के मुताबिक सामने आया है कि जांच दल आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हटाए गए संदेशों और व्हाट्सएप चैट को निकाल रहा है और जांच कर रहे हैं कि क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की है, क्यों की है, किस लिए की है।
और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। एनसीबी की टीम के पास महज एक दिन बाकी रह गया है। अगले दिन यानी कि 26 अक्टूबर के दिन आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी और ऐसे में एनसीबी की टीम अब आर्यन की बैंक डिटेल्स भी खंगाल रही है। वहीं बैंक डिटेल्स की खंगालने के बाद एनसीबी के हाथों में कई और अहम सबूत भी लग सकते हैं, जिससे कि आर्यन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि अब एनसीबी की टीम बैंक डिटेल्स के जरिए भी आर्यन खान को लेकर तमाम खुलासे कर सकती है। फिलहाल देखा जाए तो इस मामले में लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।